किस प्रकार से वो भाभी अपने देवर से क्या कहने लगी। हेलो, क्योंकि कहते हैं सजनों, हमारे इस भारतवर्ष में, हिंदू समाज में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, देवर भाभी और जीजा साली, जो बड़े अनोखे और बड़े कसुत्ते रिश्ते बताए करते हैं। इन रिश्तों में आज से ही नहीं, शुरू से ही बड़ा लाड प्यार चाव चलता आ रहा है, पर आज के जमाने में इन रिश्तों को लोगों ने कुछ और ही संज्ञा दे दी, कुछ और ही डेफिनेशन दे दी। आइए, किस प्रकार से क्या कहने लगी, सुनेंगे इस रागिणी के माध्यम से कैसे बताए। मैं तेरी भाभी और तू मेरा देवर, होया तेनी भैन ही तकरार जड़े, हो मैं ते रो रो रुधन मचा दूंगी जे जागा कर ते भाग चले। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, निभे नहीं तकरार जड़े, मैं रो रो रुधन मचा दूंगी जे जागा कर ते भाग चले। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। आरती पाठक होया करे है, बड़ा प्रेम होता है और बड़ी भाभी तो माँ के बराबर होती है, माँ के समान होती है। और छो में दो चार बात मैंने तने धमका दी तो किस बात का गिला, किस बात का गुस्सा। आइए, पहली बात के माध्यम से के कहने लगी।
साहब शिकारपुर जिला पंचायत सदस्य, उनके साथ प्रदीप चौधरी जी दरवेशपुर और हमारे बॉबी प्रधान जी दरवेशपुर, उनके समस्त साथी यहां पहुंचे हैं। उन सभी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र प्रधान जड़ोली 100 रुपए और हमारे हवलदार साहब जड़ोली से वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आइए आइए, अतिथि आपके सामने आ रहे हैं, कुछ आए कुछ चले गए, कुछ आपके सम्मुख हैं। कुछ आपके सम्मुख विराजमान हैं, कुछ और भी आएंगे, आते जाते रहेंगे। आइए, किस प्रकार से सजनों बताया किसी समझदार श्याणे आदमी ने कि अगर समुद्र में से 2 लोटे जल ले लोगे तो क्या खत्म हो जाएगा। इसीलिए बताया कि जो समझदार इंसान है अगर वो किसी को 2 बात ज्ञान की सुना दे तो उसका ज्ञान खत्म नहीं होता, बढ़ता है। आइए, किस प्रकार से दूसरी कली के माध्यम से के लिखा कैसे?
झाड़ झाड़ के झाड़ झाड़ के पकड़ाऊ मेरे सर में जूते मार चढ़े। अरे मैं तेरी भाभी तू मेरे देवर। आदरणीय उदयराज सिंह जी प्रधान शोपरी 100 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं, धन्यवाद। हमारे वीरपाल सिंह जी 62 वो भी 100 रुपए का पुरस्कार दे 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित करते हैं, धन्यवाद। किसके भैया? गौरव चौधरी जी जिनाई 1100 रुपए का पुरस्कार आरसी उपाध्याय जी की रागनी पर खुश होकर देते हैं। मैं गौरव चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आइए चौथी और अंतिम बात, जिन्होंने भी मान सम्मान करा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आइए प्रेमी सजनों, अंत में आखिरी कड़ी में कहते हैं कि जब भी कोई कवि अपनी रागनी लिखता है, उपदेश भजन बनाता है, तो आखिरी और अंतिम कली में उस रागनी का निचोड़ कर देता है। आइए पंडित मांगे राम जी ने पूरी रागनी का अंतिम कली में निचोड़ कर दिया। अन्यों कहन लगी वो पिंगला रानी कि रे देवर विक्रम तू मेरी बात नहीं मानेगा, अरे सुन मेरी बात, मन्ने बेरा है, पता है कि तुझे अब भैया भाभी की जरूरत नहीं है, अब तुझे घरवाली की जरूरत है। आइए देख तेरा भी मुंह फुकवा दूंगी, तेरे भी फेरे फिरवा दूंगी। आइए आखिरी बात में के कहन लगी सुनेगा। अरे जड़े मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर।